कोरोना संक्रमण काल में महवा मंडी में रोस्टर के विपरीत दुकान खोलने को लेकर दुकानदारों में मंडी समिति के कार्यालय में और मंडी इंस्पेक्टर के सामने गाली गलौज हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। मामले को लेकर मंडी इंस्पेक्टर ने सचिव को लिखित रिपोर्ट किया कि गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी और त्रिलोकीनाथ एंड कंपनी के मालिक मंडी समिति के आदेश को नहीं मानते हैं। जब इस संबंध में गोरखपुर न्यूज ने सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव से पूछा तो उन्होंने बताया कि झड़प की शिकायत मिली है, दोनों पक्षों का विवाद अब समाप्त हो गया है। मंडी इंस्पेक्टर द्वारा मंडी सचिव को दी गई रिपोर्ट पर अग्रतर निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल महवा मंडी में दबंग दुकानदार की चर्चा जोरों पर है। बताते चले कि महवा मंडी में आलू प्याज के थोक व्यवसायियों की लगभग 3 दर्जन दुकानें हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मंडी समिति ने रोस्टर के अनुसार आधी दुकानें एक दिन और आधी दुकानें दूसरे दिन खोलने का आदेश जारी किया था, जिस पर यहां के थोक दुकानदार अमल भी कर रहे थे। लेकिन बृहस्पतिवार को गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी और त्रिलोकीनाथ एंड सन्स की दुकानें रोस्टर के विपरीत खुलने पर अन्य दुकानदारों ने विरोध किया। यह बात मंडी समिति कार्यालय तक पहुंची और कार्यालय में भी दुकानदार आपस में भिड़ गए। इस संबंध में मंडी इंस्पेक्टर द्वारा अपनी रिपोर्ट मंडी सचिव को दे दिया है। दोनों पक्षों में हुए विवाद का सुलह तो हो गया है, किंतु मंडी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर अग्रतर निर्णय सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, आदमी हम दुकान बंद कर दे, मैं अपना वकील बचा के रखूंगा, लोग यहाँ भी वकील बचा के रखे। वीडियो बनाएंगे, बात करिए, आप बकवास आप लोग करिए, आप मेरी बताइए ना उनको, आप मेरी बात सुन बनाइए। आपसे हमने कहा वाली बात, पुतिन आपने गलत खोला ना, जब 10 लोग बंद किए तो आपके पार्टी के लोग आपको बंद कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, ये व्यापारियों की अच्छी बात नहीं है भाई। हमेशा सबके माँ बाप पे पहुँच जाते जिसके होता है। मंडी में एक आरती द्वारा जो एक नियम बनाए गए हैं, जिन्हें अलॉट किए गए हैं कि किस स्थिति में ये आरती दुकान खोलेंगे, तो उसके विपरीत जाके एक दिन दुकान खोल दी गई थी, तो संबंध में आरतियों द्वारा दूसरे पक्ष द्वारा विरोध किया गया था। तो इस संबंध में दोनों पक्षों को बैठा के उनकी बातें सुनकर निस्तारण करा दिया गया है। मूलतः यह विरोध इस कारण उपजा कि यह विवाद को बनने का मेन कारण यह था कि ईद के दिन एक छुट्टी थी, छुट्टी के बाद उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था आरती को कि हमें किस दिन दुकान खोलनी है, तो वो इसी उसमें कंफ्यूजन में उन्होंने आज के दिन दुकान खोल दी थी, जिस कारण दूसरे पक्ष में मतलब कई आरती उसका विरोध कर रहे थे, आगे बंद नहीं है, तो उन्होंने तत्काल दुकान बंद कर दी। दोनों पक्षों को बता दिया गया है कि जो समय है रोस्टर है उसी के हिसाब से दुकानें खोले, तो अब वहाँ कोई विवाद नहीं। सर इसमें एक कंप्लेंट जो है वो आपके मंडी निरीक्षक ने वो कंप्लेंट किया, इसमें क्या है सर? मंडी निरीक्षक ने पूरे घटना को लिख के दिया है, ये घटना जो उनके संज्ञान में उनके सामने मामला है, उन्होंने लिख के सचिव के नाम दिया है, तो उसका अलग से वो किया जा रहा है। अभी तो आरतियों को रोस्टर में बता दिया गया है और वो इस पर सहमत भी हैं और ये माने हैं कि इनके द्वारा गलती से दुकान आज खोल ली गई थी जबकि इनका स्टॉक नहीं था, तो अब कोई इसमें विवाद नहीं है, बाकी आगे इस पर अगले कार्रवाई की जाएगी।